फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं फ्यूचर इंडिपेंडेंस की पहचान क्या होती है। सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडिपेंडेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस कोई टेंस नहीं है, इस कल्पना के आधार पर बनाया गया है जिसमें सिर्फ अनुमान किया जाता है ना। वह गया होगा, चुका होगी, चुके होंगी, पढ़ता होगा, पढ़ते होंगी, सोमवार से पुस्तक पढ़ रहा होगा, सिर्फ एक कल्पना, इसमें कल्पना किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य अनिश्चित काल। तो इसमें की पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है इसमें वाक्य के अंत में ता होगा, ते होंगे, ती होगी, इत्यादि शब्द लगे होते हैं, है ना। ता होगा, ते होंगे, ती होगी, इत्यादि शब्द लगे होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो इसमें अनुवाद करने का नियम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल सेल प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, है ना। वाक्य में जो चीजें एक्स्ट्रा है ना, जैसे एडवर्ब हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। जैसे एडवर्ब आता है, विल और शैल का प्रयोग किसके साथ होता है, आई एंड वी के साथ। शैल, आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, जबकि शेष अदर सब्जेक्ट के साथ ऑल अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ शैल, शेष सभी कर्ताओं के साथ क्या प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कल कुछ बेरोजगार, कल कुछ बेरोजगार युवक सरकार की रोजगार विरोधी नीति का विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है कुछ बेरोजगार युवक, है ना। विरोध करने का कार्य कौन कर रहा है, बेरोजगार युवक, और उसी के पहले सब्जेक्ट एडजेक्टिव लगा हुआ कुछ। तो सबसे पहले एडजेक्टिव लिखा जाता है, सम बेरोजगार युवक, अनएम्प्लॉयड यंग मैन, कुछ बेरोजगार युवक क्या करेंगे, विरोध करेंगे। आईवी के साथ सह लगता है, परंतु यहां आईवी है नहीं, तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल क्या करेंगे, विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के साथ हमेशा अगेंस्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, अगेंस्ट किसका विरोध करेंगे, सरकार की रोजगार विरोधी नीति का, रोजगार विरोधी नीति का, यहां पे दी
एंटी एंटी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पॉलिसी रोजगार विरोधी नीति का किसकी सरकार की ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या बच रहा है एडवर्ब कब है ना टुमारो सम अनएम्प्लॉयड यंग मेन विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एंटी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट है ना सरकार की रोजगार विरोधी नीति का टुमारो कल। मैं कल विद्यालय पढ़ने जाऊंगा मैं कल विद्यालय पढ़ने जाऊंगा। यहां पे क्या आई तो आई के साथ सेल का प्रयोग होता है आई सेल मेन वर्ब क्या है गो क्या करने जाऊंगा पढ़ने गो टू रीड कहां जाऊंगा सॉरी गो टू स्कूल स्कूल जाऊंगा क्या करने पढ़ने टू रीड एडवर्ब क्या बज रहा है टुमारो आई शैल गो टू स्कूल टू रीड टुमारो मैं कल विद्यालय पढ़ने जाऊंगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं फ्रेंड्स जो केवल फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग होते हैं तो वो शब्द है कौन से देखते हैं जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट वीक मंथ ईयर टुमारो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर टुमारो ये शब्द यदि लगे हैं वाक्य में भविष्य भविष्य का समय बोध कराते हैं ऐसे शब्द क्या बोध कराते हैं भविष्य में होने वाले कार्य का बोध कराते हैं तो इन्हें हम किसमें रखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट केवल फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल राहुल हैज gone to Mumbai करा राहुल है gone to Mumbai राहुल भी मुंबई जा चुका है next week अगले सप्ताह। ये यहाँ पे कार्य क्या है भूतकाल का है ना प्रेजेंट परफेक्ट का है कार्य पहले हो चुका है परंतु यहाँ से वर्ड क्या बता रहा है फ्यूचर का तो इसको किसमें रखेंगे सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे राहुल क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ विल का प्रयोग करेंगे विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक राहुल अगले सप्ताह मुंबई जाएगा। We shall have written a letter tomorrow.
कह रहा वी शैल हैव रिटन अ लेटर टुमारो, टुमारो माने आने वाला कल होता है ना, तो यहाँ पे क्या है चार पार्ट में आपका वाक्य बटा हुआ है। हमारा वाक्य चार पार्ट में बटा हुआ है और इसमें क्या तलाश करना, इरर, किस वाक्य में इरर है ना। वी माने हम, वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, वी शैल हैव, शैल हैव क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, शैल हैव रिटन, लिख चुके होंगे एक पत्र, हम पत्र लिख चुके होंगे क्या टुमारो कल है ना, तो यहाँ पे टुमारो शब्द लगा हुआ है तो वाक्य किस में जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे शैल, राइट है ना, शैल राइट, यहाँ पे ए होना चाहिए था, शैल हैव रिटन एक पार्ट में होना चाहिए था, वी शैल हैव राइट, तो यहाँ पे क्या वो प्रयोग करेंगे शैल राइट, लिखेंगे हम कल पत्र लिखेंगे, आगे देखते हैं आई वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, शेष सभी कर्ताओं के साथ, शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या प्रयोग करते हैं विल, परंतु किन परिस्थिति में सेल और विल का प्रयोग होता है, देखते हैं कुछ ऐसी परिस्थितियां जैसे फर्म डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन थ्रेट नेसेसिटी एंड कंपल्सन, यदि वाक्य में फर्म डिटरमिनेशन थ्रेड नेसेसिटी आवश्यक कंपल्सन दबाव का भोग है ना, यदि वाक्य में दृढ़ निश्चय धमकी आवश्यक और दबाव का भाव हो तो आई वी के साथ उसी के विपरीत होता है, आई वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, आर अदर सब्जेक्ट्स के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ऊपर आप क्या देख रहे हैं आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है परंतु जनरल सेंस में है ना, और से सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करते हैं, परंतु यदि वाक्य में दृढ़ निश्चय थ्रेट धमकी नेसेसिटी आवश्यक कंपल्सन दबाव का अभाव हो तो वाक्य में आई वी के साथ विल, से सभी कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, फर्म डिटरमिनेशन दृढ़ निश्चय कल मैं हम जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों
का ईमानदारी पूर्वक पालन करने का प्रयास या पूरी कोशिश करेंगे या पूरा प्रयास करेंगे। कह रहा है हम जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक पालन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम। जनरल सेंस में क्या प्रयोग करते हैं, वी के साथ सैल, परंतु यहाँ क्या है, डिटर्मिनेशन है। भाव वाक्य में क्या है, दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निश्चय का भाव है, तो यहाँ वी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, है ना। वी विल, पूरी कोशिश करेंगे, ट्राई, ट्राई माने प्रयास करना, ट्राई आवर बेस्ट, प्रयास करेंगे, आवर बेस्ट, ट्राई आवर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा प्रयास करेंगे, क्या करने की, पालन करने की, कर्तव्यों का पालन, आवर बेस्ट, परफॉर्म, है ना, परफॉर्म पालन करना या प्रदर्शित करना, टू परफॉर्म अपने कर्तव्यों का, आवर ड्यूटीज, आवर ड्यूटीज, ऑब्जेक्ट क्या है, आवर ड्यूटीज, कर्तव्य क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके बाद क्या है, एडवर्ब है, ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली। अब क्या बज रहा है, जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी, इवन, इवन क्या है, फोकस एडवर्ब है, इवन इन द एडवर्स, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, है ना। कह रहा है वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज ऑनेस्टली इवन इन द एडवर्स सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, जीवन, है ना, यहाँ पे दिया है ना, जीवन के विपरीत परिस्थितियों में भी, ऑफ लाइफ, इन द एडवर्स सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, जीवन की विपरीत परिस्थितियों में, है देखते हैं, नेसेसिटी आवश्यक, जब वाक्य में आवश्यक का भाव होता है, जब वाक्य में आवश्यक का भाव होता है तो आईवी के साथ विल, शेष सभी कर्ताओं के साथ सैल। मैं कल विद्यालय अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, आई, अब आई के साथ सैल का प्रयोग होता है, परंतु जनरल सेंस में यहां का प्रयोग क्या करेंगे, विल, विल का प्रयोग करेंगे, है ना। विल जाना क्या है, गो मेन वर्ब है, टू स्कूल एडवर्ब क्या है, टुमारो। एक और देखते हैं, कल इस क्षेत्र के, कल इस क्षेत्र के सभी लोग नगर प्रमुख जी से मिलेंगे, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, इस क्षेत्र के सभी लोग,
इस क्षेत्र के सभी लोग, क्या प्रीपोजिशन सभी लोग क्या है सब्जेक्ट है, ऑल पीपुल, ऑल पीपुल ऑफ दिस लोकैलिटी एरिया या लोकैलिटी है ना, जहां पे लोग निवास करते हैं वहां उसको क्या बोला जाता है लोकैलिटी, ऑल पीपुल ऑफ दिस लोकैलिटी इस क्षेत्र के सभी लोग। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ऑल पीपुल है, यहाँ विल का प्रयोग क्यों नहीं हो, क्योंकि जनरल सेंस नहीं, यहाँ पे क्या आवश्यक का भाव है वाक्य में, कल अवश्य मिलेंगे तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे शैल, शैल मीट किससे मिलेंगे नगर प्रमुख जी से, तो यहाँ पे द मयूर कुमारो All people of this locality shall meet the mayor tomorrow. अगला आके देखते हैं, threat है ना, धमकी, वह निर्दयी डाकू उन निर्दोष निर्दोष ग्रामीणों को मार डालेगा है ना, जान से मार डालेगा। तो यहां पर क्या है धमकी है, धमकी का भाव है ना वाक्य में, वह निर्दयी डाकू निर्दोष ग्रामीणों को जान से मार डालेगा है ना, थ्रेट धमकी का भाव है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह निर्दयी डाकू, दैट दैट निर्दयी क्रियोल रॉबर, यहाँ पे इसके साथ सैल का प्रयोग करेंगे कि वाक्य में धमकी का भाव है ना सैल, मारना मेन वर्ब है किल, जान से मारने के लिए किल का प्रयोग करते हैं, किल किसे मार डालेगा उन निर्दोष ग्रामीणों को, ऑब्जेक्ट है दोष क्या एडजेक्टिव है इनोसेंट, इनोसेंट ग्रामीणों विलेजर्स, दैट क्रियल राबर सैल किल दोज इनोसेंट विलेजर्स। अब अगला वाक्य देखते हैं, अगले वाक्य में क्या है कंपल्शन दबाव, दबाव जिस वाक्य में दबाव का अभाव होता है ना प्रेशर, उसमें आई वी के साथ विल का प्रयोग, से सभी कर्ताओं के साथ सैल का प्रयोग। देखते हैं कल उस अपराधी, कल उस अपराधी को अपना अपराध स्वीकार करना होगा, स्वीकार करना होगा उस अपराधी को, दैट क्रिमिनल, दैट क्रिमिनल जनरल सेंस में इसके साथ विल का प्रयोग होता, परंतु यहां पर क्या है कंपल्सन दबाव होते हैं, सेल का प्रयोग करेंगे, सेल कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है अपराध स्वीकार करना, कन्फेस ऑब्जेक्ट क्या है अपना अपराध, हिज क्राइम अपना
अपराध कल है ना, टुमारो, दैट क्रिमिनल शैल कन्फेस, स्वीकार करना होगा हिज क्राइम, अपना अपराध, टुमारो एडवर्ब है कल है ना। तो यहीं पे ये क्लास समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे यही इसी में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस।